हेलो गाइस, गार्डनिंग टिप्स एंड लॉटमर चैनल में स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, यानी कि गुट्टी कलम बांध सकते हो किसी भी प्लांट के अंदर, और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से 100% आपको सक्सेसफुली एयर लेयरिंग कर सकते हो किसी भी प्लांट के अंदर, और बताऊंगा कि कौन कौन से प्लांट के अंदर आप एयर लेयरिंग कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एयर लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप मदर प्लांट के अंदर गुट्टी बांध के एक क्लोन पौधा तैयार कर सकते हो, और वो भी अगले सीजन में मदर प्लांट की तरह फल देने के लिए मैच्योर हो जाता है। तो आप एयर लेयरिंग नींबू के पौधे में, संतरे के पौधे में, या फिर जो ग्वावा के पौधे में, चीकू के पौधे में, लीची के पौधे में, और मैंगो के पौधे में के अंदर एयर लेयरिंग कर सकते हो आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा अमरूद के पौधे में एयर लेयरिंग करके। तो आपको इसके लिए इस तरीके से स्टेरिलाइज चाकू या ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जो चाकू को इस तरीके से सैनिटाइजर की मदद से साफ कर देना है, नहीं तो आपकी एयर लेयरिंग फेल भी हो सकती है। तो आपको एयर लेयरिंग के लिए इस तरीके से पेंसिल की मोटाई जितनी ब्रांच को सिलेक्ट करना है। अब इस तरीके से आपको 1 इंच की दूरी पर 2 गोल कट लगाने हैं ब्रांच पर। अब इस तरीके से दोनों के बीच में इस तरीके से सीधा कट लगाइए, और ऊपर की जो छाल है वो निकाल दीजिए अच्छी तरीके से। अब इस तरीके से छिले हुए हिस्से में आप इस तरीके से चाकू की मदद से स्क्रैच कर दीजिए अच्छी तरीके से। ये एयर लेयरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अब इस तरीके की जो मोटी पॉलीथीन लीजिए, और टैप की मदद से दोनों को आपस में जोड़ दीजिए इस तरीके से। कटिंग वाले हिस्से के 1/2 इंच नीचे से इस तरीके से रस्सी से बांध दीजिए। और रूटिंग मिक्सचर तैयार करने के लिए 60% गार्डन सॉइल और 15% बजरी की रेत या फिर कोकोपीट भी आप ले सकते हो। इसके अंदर अच्छी तरीके से पानी डाल के गीला कर दीजिए इसे, और रूटिंग मिक्सचर को अच्छी तरीके से इसके अंदर भर दीजिए, और ऊपर की साइड अच्छी तरीके से इसे बांध दीजिए रस्सी की मदद से। इसके अंदर रूटिंग शुरू होने में 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। वो उस पर डिपेंड होता है कि आप कौन से प्लांट के अंदर एयर लेयरिंग कर रहे हो। अमरूद के अंदर रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है। एयर लेयरिंग करने का सबसे अच्छा टाइम मार्च के महीने में और रेनी सीजन में होता है, उस वक्त एयर लेयरिंग की जा सकती है। आप इस तरीके से बॉर्डर के नीचे के हिस्से को काट के इस तरीके से एयर लेयरिंग कर सकते हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना हमारे वीडियो को और शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।